जीवन में कुछ बहुत बड़े पाप हैं, जैसे गर्भ में बच्चों को मार डालना, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। श्रीमद् देवी भागवत हरिवंश पुराण जैसे महान ग्रंथों के द्वारा स्त्री पुरुष इस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, ये सब महापापों में आता है। पराई स्त्री को छेड़ने वाले, उसका हरण करने वाले लोग, ये महापापों में इनके नाम आते हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा के द्वारा इन लोगों का भी आत्मोद्धार और आत्मकल्याण हो जाता है। नवा यज्ञेन भवंत शुद्धा, ये नवा यानी नौ दिन के यज्ञ के द्वारा 34 नंबर के श्लोक में श्रीमद् देवी भागवत का पहला स्कंद और पहला अध्याय और 34 नंबर का श्लोक जिसमें वर्णन किया नवा यज्ञेन भवंत शुद्धा, ऐसे लोग भी इस नौ दिन की देवी भागवत की कथा के द्वारा वह भी शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्या के द्वारा, व्रत तीर्थ सेवन, अनेक विधि विधान, दान नियमों के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, थोड़ी सी भी आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उससे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो थांदला की धरती पर बैठे हुए लोग, आपको पता है कथा में आते हैं तो कुछ लेके आना पड़ता है, नहीं पता है? मैं बता दूं, कथा में आते हैं तो एक श्रोता जो बिल्कुल कथा में सुनने के लिए नहीं आया है वो लेके जाते हैं, खाली हाथों से जाते नहीं है, थोड़ा सा प्रसाद लेकर के। बाहर वहाँ कार्यालय बना हुआ है और वहाँ पर नवरात्रा का समय, बहुतों ने व्रत किया होगा, बहुतों ने न किया हो, तो आप यदि कोई उपवास वाला लेके आते हैं तो उसके लिए एक काउंटर लगा हुआ है, उसको एक तरफ रखेंगे, और अन्न वाला लेके आते हैं तो उसको एक तरफ रखेंगे। प्रसाद बांटने की व्यवस्था भी कार्यकर्ता जन उसी प्रकार से करेंगे, जहाँ उपवास वाले हैं उनका प्रसाद काउंटर अलग होगा, हाँ, और जो सवासेर रोटियाँ वाले हैं उनका, हाँ मेरी भाषा समझ रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं, तो उनका काउंटर हाँ अलग होगा। एक विदेशी डॉक्टर ने कहा था यदि कोई 6 महीने में 15 दिन का एवरेज लग जाए, उसका पेट में अन्न न जाए, उसको ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। उपवास करने वाले लोगों को कैंसर नहीं होता, धूम्रपान करने वाले लोग कैंसर से बचते नहीं। याद रखिएगा, उपवास व्रत शरीर में एक गांठ नहीं होने देते। तो नवरात्रा का समय है, यदि आपसे हो जाए तो व्रत कर लेना, और ना हो पाए तो एक बार भोजन ले लेना। सुबह कुछ हल्का फुल्का खा पी करके आ जाओ, शाम को एक बार भोजन आरती के बाद में कर लीजिएगा। और नवरात्रा के व्रत में सूर्य अस्त होने के बाद ही भोजन लेने की महिमा है। अब ऐसा नहीं कि एक बार लेते हैं तो दोपहर के 12 बजे ही ले लें, रात्रि को सूर्य अस्तांचल को चला जाए, माता की आरती हो जाए, पूजा हो जाए, उसके बाद लीजिए। आपने कलश जल रखे हैं, पता नहीं ये विधि आपको पता होगी या ना होगी, तो आप शाम को भी इस परिसर में पहुँच करके अपने कलश के लिए दिया जला करके रख सकते हैं, लेकिन दिए के साथ साथ इतना सुंदर सा पंडाल है, कहीं ऊट पटांग मत कर देना। इसलिए नवरात्रा में, कल मैंने बड़ौदा से बोला है आपसे बने तो 9 दिए रोज जलाइए, और 9 नहीं आप जला पाते तो 1 दिया पूरा 9 दिन तक आप जलाइए, आपकी भागवत कथा सिद्ध हो जाएगी।